हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर किसी भी ऐप्स की नोटिफिकेशन सेटिंग करनी है, किसी भी ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको ऑफ़ करनी है, ऑन करानी, तो कैसे करा सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसे आपके फ़ोन में क्रोम की नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आती है, अगर आप क्रोम की नोटिफिकेशन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, आपको इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सी ऑल फ्रॉम मिल जाती है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके ऑल ऐप्स शो हो जाते हैं। अब यहाँ से आपको जैसे क्रोम की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो सिंपली आप इसे ऑफ़ करा देंगे। क्रोम की नोटिफिकेशन आपको कोई भी शो नहीं होगी। कैलेंडर की नहीं चाहिए तो इसे भी आप ऑफ़ करा देंगे। जिसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए इसमें से आप इसे ऑफ़ करा देंगे, और जिनकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसे आप यहाँ से ऑन करा देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर किसी भी ऐप्स की नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ़ करा सकते हैं और उसकी सेटिंग कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन तो मिल जाता है स्किप लॉक स्क्रीन वाली मिल जाती है, ऑन लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन कैसे शो करा सकते हैं, सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती हैं। हिडन साइलेंट नोटिफिकेशन आपको स्टेटस बार पर शो करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं किसी भी ऐप्स की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।